वाले प्रदुमन मर्डर केस में अब नया मोड़ आ गया। अब प्रदुमन मर्डर केस से बस कंडक्टर का कोई रिश्ता नहीं है। गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल के 11वीं के छात्र पर अब प्रद्युमन की हत्या का आरोप है। ये सनसनीखेज खुलासा 1.5 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने किया है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने प्रद्युमन केस में हत्या की जो वजह बताई है वो बेहद चौंकाने वाली है। परीक्षा और पेरेंट्स टीचर मीटिंग को टालने के लिए एक 16 साल के स्टूडेंट ने प्रद्युमन का मर्डर कर दिया। क्या एक 16 साल का लड़का क्लास सेकंड के स्टूडेंट को पीटीएम और परीक्षा टालने के लिए स्कूल के ही बाथरूम में इतनी बेरहमी से मार सकता है? सीबीआई जांच पर भी सवाल है कि क्या उसने प्रद्युमन मर्डर केस को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया है। 8 सितंबर 2017 रेयान इंटरनेशनल स्कूल। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के कॉरिडोर में इन खून के धब्बों को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया। इस कॉरिडोर से लगे इस बाथरूम के भीतर की दरिंदगी जिसने भी सुनी उसका दिल दहल गया। रेयान स्कूल का ये वही बाथरूम है जहां दूसरी क्लास में पढ़ने वाले 7 साल के प्रद्युम्न का मर्डर हुआ था। दिन के उजाले में क्लासरूम से 15 कदम की दूरी पर एक मासूम हैवानियत का शिकार हुआ और ताज्जुब था कि उसे स्कूल के भीतर किसी ने नहीं देखा। स्कूल टाइम शुरू हो चुका था, क्लासरूम में टीचर और बच्चे थे। सवाल है कि सबकी मौजूदगी में प्रद्युमन की क्लास से 15 कदम की दूरी पर आखिर किसने प्रद्युमन को बेरहमी से मार दिया? वो कौन था जिसने बाथरूम में चाकू से प्रद्युमन के मासूम जिस्म को गोद डाला? मासूम प्रद्युमन की हत्या के सबूत खून के धब्बे दे रहे थे, उसके जिस्म पर चाकुओं के बेरहम निशान बेरहमी की गवाही दे रहे थे। क्लासरूम से चंद कदम के फासले पर प्रद्युमन की हत्या कातिल की दरिंदगी बयां कर रहे थे। जिसने भी वारदात देखी हैरान रह गया, जिसने भी बाथरूम से कॉरिडोर तक खून के धब्बे देखे हैरान रह गया। ये एक ऐसा मर्डर था जिसमें बेरहमी के सबूत हर जगह मौजूद थे। जिसने भी प्रद्युम्न के मौकाए कत्ल को देखा वो सन्न रह गया। सवाल उठा कि स्कूल के भीतर एक मासूम का कातिल कौन था? वो कौन था जिसने स्कूल की चारदीवारी के भीतर प्रद्युम्न का कत्ल किया? हरियाणा पुलिस ने जांच शुरू की। स्कूल के टीचर से लेकर बच्चों से पूछताछ हुई। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच हुई। जांच में देखा बाथरूम में प्रद्युम्न के एंट्री के बाद बस कंडक्टर दाखिल हुआ। लेकिन यहां हरियाणा पुलिस ने सीसीटीवी में ये नहीं देखा कि बस कंडक्टर के जाने से पहले एक स्टूडेंट प्रद्युम्न के मर्डर वाले बाथरूम से तेजी से निकला। हरियाणा पुलिस ने बस कंडक्टर को ही कातिल मानकर पेश कर दिया। शक के आधार पर पहले स्कूल के माली से पूछताछ की गई और उसके बाद स्कूल बस के कंडक्टर को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम पुलिस ने जांच में बताया कि हत्या स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार ने ही की है। हरियाणा पुलिस ने बताया कि जिस बाथरूम में प्रद्युम्न का मर्डर हुआ उस बाथरूम में उसी वक्त बस कंडक्टर अशोक भी दाखिल हुआ। अशोक ने ही बाथरूम में मर्डर किया क्योंकि प्रद्युम्न ने उसे गलत काम करते हुए देख लिया था। पुलिस की जांच में यह भी बताया गया कि कंडक्टर ने प्रद्युम्न जांच में चकमा देने की कोशिश की। उसने हत्या के वक्त पहने खून से सने कपड़े बदल लिए। अशोक ने कत्ल में इस्तेमाल चाकू को भी छुपा दिया। पुलिस की थ्योरी हमेशा से सवालों में थी। बिजली की रफ्तार से हरियाणा पुलिस की जांच ने बस कंडक्टर को प्रद्युमन का हत्यारा बता दिया। मीडिया के सामने बस कंडक्टर अशोक कुमार का इकरारनामा भी करवा दिया। कैमरे के सामने रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बस कंडक्टर अशोक कुमार ने प्रद्युम्न के मर्डर की बात कबूली। हमने मारा? हाँ जी। क्यों? बस बुद्धि खराब हो गई थी, कुछ होश ही ना रहा। कैसे मारा? चाकू से। चाकू साथ में लेके घूमते थे? ना जी, वो पहले से बस मतलब साफ करने के लिए आया था बाथरूम में। अशोक के कबूलनामे पर उसके करीबियों को यकीन नहीं हुआ। रेयान स्कूल के जिस बस का वो कंडक्टर था ना तो उसके ड्राइवर ने पुलिस की थ्योरी पर यकीन किया और ना ही अशोक की पत्नी ने। कहा गया कि अशोक के कपड़े खून से इसलिए सने थे क्योंकि उसी ने लहूलुहान प्रद्युम्न को गोद में उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया था। मैंने
मेरे को पुलिस वाले ने बहुत टॉर्चर किया था। ये जी स्कूल वाले पैसा वाली फैमिली है, हम गरीब आदमी है, ये सब स्कूल की पुलिस वालों की साजिश थी। अशोक के वारदात के बाद कपड़ा बदलने की छोरी भी खारिज हो गई, क्योंकि उसे स्कूल की तरफ से एक ही ड्रेस मिली थी। लिहाजा सवाल उठा कि क्या बस कंडक्टर से पुलिस ने प्रद्युम्न मर्डर का गुनाह कबूलवाया है, क्या अशोक ने पुलिस के दबाव में कत्ल की बात कबूली है। इन सवालों के साथ पुलिस की छोरी सवालों में रही। मीडिया में प्रद्युम्न मर्डर केस काफी सुर्खियों में रहा। हरियाणा पुलिस की जांच की काफी फजीहत हुई। ना प्रद्युम्न के घर वाले और ना ही बाकी लोगों को हरियाणा पुलिस की जांच पर भरोसा हुआ, लिहाजा हरियाणा सरकार ने प्रद्युम्न मर्डर केस की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। 22 सितंबर 2017 प्रद्युम्न मर्डर केस सीबीआई जांच शुरू। पुलिस जांच पर उठते सवालों के बीच प्रद्युम्न मर्डर केस की जांच सीबीआई ने शुरू की। मौके का मुआयना हुआ, आलाय कत्ल की खोजबीन हुई, स्कूल के सीसीटीवी फुटेज को फिर से खंगाला गया। हरियाणा पुलिस की जांच में वारदात के वक्त बाथरूम में सीसीटीवी फुटेज में अशोक कुमार दिखा था, लेकिन सीबीआई जांच में एक ऐसा चेहरा दिखा जिसने प्रद्युम्न मर्डर केस को नया मोड़ दे दिया। सीबीआई को सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि बाथरूम में प्रद्युम्न के दाखिल होने के चंद मिनट बाद एक स्टूडेंट तेजी से बाहर गया। इस स्टूडेंट के बाथरूम से बाहर निकलने के बाद बस कंडक्टर अशोक दाखिल हुआ। बाद में जब प्रद्युम्न के मर्डर की बात जाहिर हुई तो बाथरूम से निकलने वाले स्टूडेंट को ही हरियाणा पुलिस ने गवाह मानकर बस कंडक्टर अशोक को कातिल बता दिया। प्रद्युम्न के कत्ल की मनगढ़ंत थ्योरी पेश कर दी। करीब डेढ़ महीने तक सीबीआई ने इस केस की जांच की। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि ना तो कातिल स्कूल बस कंडक्टर अशोक कुमार था और ना ही माली और लेडी टीचर का प्रद्युम्न मर्डर केस से कोई कनेक्शन था। प्रद्युम्न मर्डर केस में सीबीआई की थ्योरी में सीसीटीवी फुटेज सबसे अहम कड़ी है। जिस वक्त प्रद्युम्न का मर्डर हुआ उसके ठीक बाद सीसीटीवी फुटेज में कुछ स्टूडेंट्स वहां से निकलते हुए दिखाई दिए। सीबीआई ने प्रद्युम्न मर्डर केस में मौका वारदात को रिकंस्ट्रक्ट किया। वारदात के आसपास मौजूद स्टाफ से पूछताछ हुई, सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। सीबीआई की तफ्तीश के बाद प्रद्युम्न मर्डर केस 180 डिग्री घूम गया। जिस स्टूडेंट को हरियाणा पुलिस ने बतौर गवाह पेश किया था उसी पर सीबीआई को कातिल होने का शक हो गया। सीबीआई को जांच में पता चला कि बस कंडक्टर अशोक ने नहीं बल्कि स्कूल के एक स्टूडेंट ने ही प्रद्युम्न का मर्डर किया है। सीबीआई के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रान इंटरनेशनल स्कूल के 11वीं क्लास के स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। सीबीआई कहती है कि उस छात्र ने कबूल कर लिया है कि उसने स्कूल के टॉयलेट में प्रद्युम्न का कत्ल चाकू से गोद कर किया था। सीबीआई को सीसीटीवी फुटेज से स्टूडेंट पर शक गहराया और जब आरोपी छात्र से पूछताछ हुई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। After thorough investigation based on scientific evidence, including inspection of scene of crime, forensic analysis, analysis of CCTV footage, analysis of various call records, and questioning of several persons, CBI apprehended the said student. CBI ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया। CBI की तरफ से हत्या की वजह चौंकाने वाली है। CBI के मुताबिक आरोपी छात्र स्कूल की आगामी परीक्षा टलवाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि PTM यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो। Central Bureau of Investigation has apprehended a child in conflict with law, a student of senior class at Rayan International School, in an ongoing investigation of a case related to the murder of a 7-year-old boy, a student of second class in Rayan International School, Gurugram. ROP student ko IPC ki dhara 302 jani hatya aur 25 arm act ke तहत गिरफ्तार किया गया। CBI के सूत्र बताते हैं कि आरोपी चाकू लेकर स्कूल आया था और हत्या से एक दिन पहले वह कुछ छात्रों से भी यही कहता सुना गया था कि कल स्कूल बंद रहेगा। इसके अगले दिन छात्र ने चाकू से प्रद्युम्न का कत्ल कर दिया और चाकू को फ्लश कर दिया। सीबीआई ने चाकू को बरामद कर लिया है। रियान इंटरनेशनल स्कूल के 11वीं क्लास के छात्र की गिरफ्तारी सीबीआई की साइंटिफिक जांच के बाद हुई। सीबीआई ने प्रद्युम्न मर्डर केस में आरोपी छात्र से तकरीबन 3 से 4 बार पूछताछ की। अब सीबीआई आरोपी छात्र को रिमांड पर लेकर और पूछताछ करेगी। सवाल है कि क्या एग्जाम और पीटीएम टलवाने के लिए एक स्टूडेंट इतनी दरिंदगी कर सकता है। इसलिए प्रद्युम्न मर्डर के खुलासे के बावजूद इस केस में अभी भी कई पेच हैं। लेकिन कम से कम इतना तो तय है
कि हरियाणा पुलिस आज प्रद्युम्न मर्डर केस की जांच को लेकर कटघरे में खड़ी है। ये सवाल कायम है कि क्या पुलिस ने चेहरा बचाने के लिए बस कंडक्टर अशोक कुमार को फंसाया था? कोई बात नहीं, वो अब क्योंकि अब वो केस सीबीआई के पास है, वो सीबीआई वाले क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या चालान करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। प्रद्युम्न मर्डर केस में हरियाणा पुलिस के पास जवाब नहीं है तो ये नई बात भी नहीं है। प्रद्युम्न के घर वाले हमेशा से हरियाणा पुलिस की जांच पर सवाल उठाते रहे हैं। प्रद्युम्न मर्डर केस में पिता हमेशा कहते रहे कि बस कंडक्टर को गुरुग्राम पुलिस जानबूझकर फंसा रही है, उन्हें शक था कि कत्ल के पीछे कोई और है, लिहाजा वो प्रद्युम्न मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग करते रहे। प्रद्युम्न मर्डर केस में सीबीआई की थ्योरी से उसके घर वालों का शक सही निकला। किसी के लिए भी वो थ्योरी कन्विंसिंग नहीं थी, सिर्फ हम ही नहीं, जो भी पेरेंट्स थे सबने एक साथ डिमांड की थी कि सीबीआई को इंक्वायरी देनी चाहिए, जिससे इसका जो फैक्ट है वो फैक्ट सामने आए। और आज जिस तरह से सीबीआई ने ये रिवील किया है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में, अब तक के इन्वेस्टिगेशन में, वो 11th का बच्चा कल्प्रिट है, मतलब इन्वॉल्व है, ये आया है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को सर्टिफाई करता है जो लोगों के मन में डाउट था। एक बात तो तय, गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल में जिस तरह प्रद्युम्न का कत्ल किया गया वो अचानक नहीं किया गया। स्कूल में चाकू लाना, चाकू से पूरी तरह गोद गोद कर मारना साबित करता है कि ये सोची समझी साजिश थी।